असेक्सुअल क्या होता है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि रिसेंटली मैरिड है, शादी तो कर लिया, मगर अभी औरत अपने आदमी को लेके आती है, पति को लेके आती है, बोलते कि इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है सेक्स में, बाकी तो सब नॉर्मल दिख रहा है मगर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। जो लोगों को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब उनको बाकी सब ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स ठीक है, उनको इरेक्शन आता है, उनको स्पॉन्टेन इरेक्शन भी है, उनको स्पर्म भी निकलते बाहर, मतलब सीमेन भी बराबर आता है, स्पर्म काउंट भी नॉर्मल, सब एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द सेक्स। वो लोगों को बोलते हैं असेक्सुअल, मतलब उनको सेक्सुअल इंटरेस्ट ही नहीं, एसेक्सुअल और एस करके उनको बोलते हैं, ACES। फिर ग्रे असेक्सुअल है, तो ग्रे असेक्सुअल वो लोग होते हैं, उनको कभी कभी सेक्स में इंटरेस्ट आता है, कभी तभी आ जाता है और वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो सेक्स कर सकते। और डेमी असेक्सुअल, और इसका मतलब क्या होता है कि डेमी असेक्सुअल का मतलब ये है कि ये लोगों को वही लोगों के साथ में सेक्सुअल अट्रैक्शन है जिनके साथ में वो भावनाओं से जुड़े हैं। ऐसा कोई भी किसी के साथ में भी उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा ही नहीं, भावना जुड़ी हुई तो उनको अट्रैक्शन आता है। वैसे रोमांटिक का है कि अरोमांटिक, मतलब उसको रोमांटिक अट्रैक्शन है नहीं कुछ भी, और उसको बोलते हैं अरोमांटिक। ग्रे अरोमांटिक है, इसका मतलब उसको थोड़ा कभी कभी रोमांस उसको आता है, रोमांटिक हो जाता है, वो रोमांटिक अट्रैक्शन है कभी कभी। और डेमी रोमांटिक जो है वो लोग है कि उनको एक भावना जिनके साथ में वो जुड़े हुए वही लोगों के साथ में वो रोमांस कर सकते हैं, रोमांटिक अट्रैक्शन है। अभी असेक्सुअल जो है वो सेलिबेसी से अलग है। सेलिबेसी क्या है? सेलिबेसी वो है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन है, सेक्स ऑर्गन्स बराबर नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मगर वो जानबूझकर सेक्स से दूर रहता है। जानबूझकर इसे चॉइस चूज किया हो कि सेक्स नहीं करना, उसको बोलते हैं सेलिबसी या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं, ब्रह्मचारी जो लोग हैं वो ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, मगर ऐसा कोई उसके लिए प्रूफ नहीं है, पुरावा नहीं है कि ब्रह्मचारी बहुत ज्यादा साल जीते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वीर्य रोक के या सेक्स नहीं करके ज्यादा साल तक आप जी सकते हैं, आपकी आयु लंबी हो सकती है, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है। तभी लोग करते रहते हैं, अपना वीर्य बाहर निकलने का नहीं है और वीर्य रोक देना है ताकि वो ब्रेन तक जाएगा और आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, ऐसा बोला जाता है, सब झूठ है। तब ये असेक्सुअल है या सेलिबसी है, आपको क्या करना है? देखो, एक तो शादी हो गई तो प्रॉब्लम है, काउंसिलिंग करना बहुत जरूरी है, और काउंसिलिंग करने से ये नॉर्मल हो सकता है। शादी नहीं हुई है तो ये लोगों को अपने एक्सेप्ट करना चाहिए। असेक्सुअल है, उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता है, तो उनको हमने स्वीकारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तो सबसे पहले उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, विश्वास कि ठीक है भाई, तू जो बोल रहा है वो सही है, सत्य है, ऐसा नहीं कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं, रोमांटिक अट्रैक्शन है नहीं, रोमांस कर नहीं सकता है। एक्सेप्ट देम, बिलीव देम, उनको सवाल मत करो, उनको प्रश्न मत पूछो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कब हुआ, कब से है, क्या है, शादी हुई क्या, फिर आप करते नहीं क्या, कुछ भी नहीं, कुछ सवाल नहीं करना है, कुछ प्रश्न नहीं पूछना है। एक्सेप्ट देम द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, उनका स्वीकार करो। और फिर वाइफ रहने को तैयार नहीं, शादी हुई है और वाइफ रहने को तैयार नहीं, जबरदस्ती शादी हुई है, तो फिर आपको रहना है तो रह सकते हैं, नहीं तो वाइफ का चॉइस है कि साथ में रहना कि नहीं रहना। अच्छा, वो लोग तैयार है शादी के बाद में इलाज करने के लिए, नहीं भी शादी टूटना नहीं चाहिए, अब ठीक है, असेक्सुअल है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं है सेक्स में, तो काउंसिलिंग करके, PDE5 इनहिबिटर्स दवाई देके, इरेक्शन कॉज करके, और जैसा धीरे 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 यदि वो साथ में सोते हैं, बातचीत करते हैं, तो औरत एक स्टैंड ले सकती है और धीरे 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 वो कॉन्टैक्ट कर सकता है और अच्छा कॉन्टैक्ट हो सकता है। तभी वाइफ की इच्छा पूरी करने में वो समर्थ होगा कि नहीं होगा ये मालूम नहीं। बच्चे भी होते हैं इनको, क्योंकि सेक्स कभी कभी कर लिया जबरदस्ती तो बच्चे भी हो जाते हैं, मगर वाइफ का हरदम रोना रहता है कि इनको तो सेक्स में इंटरेस्ट है नहीं, देखते भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है काउंसलिंग से। आपको यदि ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हमें आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, नाम मात्र 158 रुपये लेके हमारे डॉक्टर्स आपके लिए उपलब्ध है। डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री लेके मेरे से बातचीत करेंगे और बाद में आपको कॉल करके हम सलाह दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी
सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।